मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। लुधियाना की एक अदालत में गुरुवार को हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। 6 मंजिला इस इमारत के वॉशरूम में यह धमाका हुआ। जिस वक्त यह धमाका हुआ, अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। अगर हड़ताल न होती तो यह धमाका काफी गंभीर मोड़ ले सकता था। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन शुरू कर दी है। ब्लास्ट की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन अथवा व्यक्ति ने नहीं ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी है। इसके अलावा बाहर खड़ी कुछ कारों को भी नुकसान पहुंचा है। शहर भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए नाकाबंदी कर दी गई है। आज शहर में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह ब्लास्ट लुधियाना जिला कोर्ट परिसर की 2 मंजिल पर हुआ है। कोर्ट रूम में जो रीडर्स के कमरे होते हैं उनके करीब वॉशरूम है, वहां ब्लास्ट हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।